इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 15 साल पहले हत्या की गई थी। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज यानी 18 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 4 को हत्या और मकोका, जबकि 1 को मकोका के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट आरोपियों की सजा पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को सौम्या अपनी कार में मृत पाई गई थी। उन्हें चलती कार में गोली मारी गई थी। इस मामले में आरोपियों को मार्च 2009 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरवरी 2010 में इस मुकदमे की शुरुआत हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या था जिसने 2008 में पूरी दिल्ली को दहला दिया था। इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर 2008 को अपनी कार में मृत पाई गई थी। सौम्या की कार दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मिली थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि सौम्या की मौत कार एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता लगा कि सिर पर गोली लगने से उनकी मौत हुई, जिसके बाद मामले में हत्या की जाँच शुरू हुई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी जाँच में बताया कि वो 30 सितंबर की देर रात अपने ऑफिस से वापस घर लौट रही थी। पुलिस को शक था कि किसी ने सौम्या की गाड़ी का पीछा किया और किसी दूसरी चलती गाड़ी से गोली चलाई गई। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि एक कार सौम्या का पीछा कर रही थी। आपको बता दें, सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे टीवी के आउटपुट डेस्क पर स्टार प्रोड्यूसर थी। वो अपने साथियों के बीच सबसे कम उम्र की शिफ्ट सुपरवाइजर भी थी। इस मामले की जांच के लिए मुंबई से क्राइम ब्रांच की टीमों को बुलाया गया। फिर वारदात की जगह पर और तलाशी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके। फिर आया साल 2009। मार्च 2009 में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पर गिरफ्तारी सौम्या विश्वनाथन की मौत के केस में नहीं हुई थी। एक अलग मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों, रवि कपूर और अमित शुक्ला को गिरफ्तार किया। उन पर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जिगीशा घोष की हत्या करने का आरोप था। 5 आरोपियों पर हत्या, संगठित अपराध, डकैती और आपराधिक साजिश तहत अन्य अपराध का आरोप भी लगा। जिगीशा घोष हत्याकांड में भी यही लोग आरोपी थे, जिसके लिए उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया था। इन आरोपियों से पूछताछ में जो बात पता चली वो दिल दहला देने वाली थी। रवि कपूर और अमित शुक्ला ने पूछताछ में सौम्या की हत्या करने को भी कबूल किया। उन्होंने कहा था कि ये उनके लिए एक थ्रिल था। जांच में ये भी पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी गई कार दोनों हत्याओं में इस्तेमाल की गई थी। आपको बता दें, अप्रैल 2009 में दिल्ली पुलिस ने सौम्या हत्याकांड में रवि कपूर गैंग के खिलाफ मकोका लगाया। जून 2010 में दिल्ली पुलिस ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए रवि कपूर, अमित शुक्ला के साथ 2 और संदिग्धों, बलजीत मलिक और अजय सेठी पर चार्जशीट दायर की। इस मामले में मुकदमे की सुनवाई 16 नवंबर 2010 को साकेत कोर्ट में शुरू हुई। इसके 6 साल बाद 19 जुलाई 2016 को साकेत कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की, लेकिन अपना फैसला अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा। तब से किसी न किसी कानूनी जटिलता के चलते फैसले को कई बार टाला गया। इस मामले में पिछले सालों में 320 सुनवाइयां हुई। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी प्रज्ञा ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए टी ललन टॉप। शुक्रिया।